चले रुक करते हैं रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर चिप्स ई टेंडरिंग घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू 8 बिंदुओं पर अब इस पूरे ही मामले की जांच करेगी। अफसरों से पूछताछ के लिए प्रश्न तैयार कर लिए गए हैं, संबंधित विभागों के अफसरों से अब पूछताछ की जाएगी। तो ईओडब्ल्यू अब 8 बिंदुओं को लेकर इस पूरे ही मामले में जांच करेगी। ईओडब्ल्यू ने जांच के लिए चिप्स के दफ्तर में अस्थाई दफ्तर खोल लिया है और अब यहीं से ईओडब्ल्यू इस पूरी ही जांच को शुरू करने वाली है। 8 बिंदु तय किए गए हैं और इन्हीं 8 बिंदुओं पर अब ये पूरी ही जांच आगे बढ़ेगी। बकायदा इस पूरी ही जांच के लिए जो 8 बिंदु हैं उसको लेकर प्रश्न भी तैयार किए गए हैं और अब संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन्हीं बिंदुओं के तहत प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चिप्स ई टेंडरिंग घोटाले का मामला ये पूरा ही, जिसमें ईओडब्ल्यू अब 8 बिंदुओं पर जांच करेगी। प्रश्न भी तैयार कर लिए गए हैं अफसरों से पूछताछ के लिए और अब संबंधित विभागों के जो अफसर हैं उनसे पूछताछ की जाएगी ताकि इस पूरे ही मामले का खुलासा हो सके और जो जांच है वो सही तरीके से हो और जल्द से जल्द इस पूरे ही मामले में खुलासा हो सके। इसलिए ईओडब्ल्यू ने चिप्स के दफ्तर में ही एक अस्थायी दफ्तर खोल लिया है। स्टेट एडिटर एंड स्टेट हेड मोहित साहू हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मोहित, ईओडब्ल्यू द्वारा अब 8 बिंदुओं पर जांच की जाएगी इस मामले में। बिल्कुल रोमिता, मैं बताना चाहूंगा लगातार एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जो कैग में रिपोर्ट जब सामने आया पिछले महीने तब इसका पूरा जो मामला है वो सामने आया। चिप्स में एक बड़ा घोटाला, लगभग 4,601 करोड़ का ई टेंडर घोटाला है। ऐसे 74 कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है निविदा टेंडर अपलोड करने के लिए, जिसके चलते ये पूरा मामला सामने आया है। लगभग 10 से 20 लाख के 108 करोड़ रुपए के लगातार जो टेंडर है मैनुअली जारी किए गए थे और रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आया है कि जिन 74 कंप्यूटर से टेंडर निकाले गए थे उसी टेंडर को वापस भी वहीं से भरे गए थे। ऐसे 1921 निविदाओं का जो है वो किया गया, जो पाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध अन्वेषण जो ब्यूरो है की ईओडब्ल्यू को 8 बिंदुओं वो जांच करे और 8 बिंदुओं पर पूरा इस मामले की वो जांच के लिए तैयारी कर ली है और जो तमाम अधिकारी और तमाम जो विभाग है उनसे इन 8 बिंदुओं पर वो प्रश्न करेगी और प्रश्न जो उनकी प्रश्नावली है वो तैयारी हो चुकी है। तमाम बड़े अफसर है उनसे पूछने के लिए तैयारी कर ली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो चिप्स का जो ऑफिस है वहां पर जो ईओडब्ल्यू ने आईआई दफ्तर भी बना रखा है, लगभग 74 कंप्यूटर है उसकी वहां पर जांच करेगी। इसके लिए हैदराबाद और बेंगलुरु से जो विशेषज्ञ हैं वो बुला लिए गए हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।